आजकल चोर को मिल गई उसके अपराधों की सजा, इसलिए पूरा ही रेंगल लेगा मजा। ना मार पाएंगे किसी को, ना जाएगा अच्छे से चला। किल चोर के करेक्टर को मार गया लकुआ, 2 सेकंड में मेरा मार में भी फेल गई अफुआ। भाई किल चोर बहुत बुरा हुआ यार, अब तो तुम्हें बोटनी भी छोड़कर चली जाएगी। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलू तो कैसे हो रे बैटल ग्राउंड वाले भाइयों? तो भाई आज जो है हमारे साथ भाई कुछ ऐसा हुआ जो कि भाई हमारे साथ कभी नहीं हुआ था और ना हमने कभी सपने में सोचा था भाई। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो, तो ये शायद भाई मेरे साथ ही हुआ है पहली बार ऐसा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है BGMI में भाई ये भाई बंदे टपकते तो थे भाई, अब यहाँ पर जो है ये सब बीमारियां भी आ गई है कि भाई किसी को लकुआ मार जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। तो देखते जाओ भाई आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई इनको टपका ले। बंदे राइट में रुको ना, तुम टेंशन ले रहे हो, किल चोर भाई मार लेंगे तुम। अब किल चोर तो जब मारेगा ना भाई, जब ये मारने देंगे भाई, अब उसको टपकाने लग रहा था और किसी और बंदे ने भाई मुझे नॉक कर दिया। तो जब तक भाई मेरे पेट के दर्द का इलाज हुआ तब तक भाई यहाँ पर जो बहुत सारे बंदे भी टपक गए थे और मुझे हेल्थ भी भाई लेट मिली। तो भाई आते बंदों को तो इन्होंने ही टपका दिया था। अब रूबी का तो भाई हमने जो है रेंगल का वीजा लगा दिया था और ये एक बंदा बचा था भाई। मुझे लगा कि सभी बंदे जो है टपक गए, अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, तो इसको जो है कंधे पर उठाकर भाई भाग जाता हूँ, खेलते रहेंगे भाई इसके साथ। लेकिन भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई, अभी देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। हेलो हेलो ऑल चैट ब्रो ब्रो हेलो, ये तो बता रहा है तुम्हारे साथ खेल रहा है। रुको 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 यार भाई, अच्छा तो मेरा बुरा टाइम अब शुरू हो चुका था भाई। मैं रेंगल में पेटिया चमकाता और भाई बंदों को उठा उठा कर भाग जाता, ऊपर वाले ने देख लिया भाई और देखो भाई मुझे कैसी सजा दी भाई। ये ऐसे ऐसे गलीच आ गए भाई, वैसे ये गलीच नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये बीमारियां आ गई है भाई BGMI में। बच कर रहो भाई, किसी को भी लकवा लग जाएगा। तो ये भाई मेरे साथ ना पहली बार हुआ है। और ये हुआ कैसे भाई, मैंने उस बंदे को उठाया हुआ था और मेरे पास से भाई मेरे टीममेट ने उठा लिया और मैं ऐसे ही रह गया। तो देखिए भाई ये कैसी बीमारी थी भाई, सामने बंदे थे और जैसे ही मैंने स्कोप ओपन किया भाई, पता नहीं यार स्कोप कहाँ पहुंच गया और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ऊपर से भाई अब जब से ये वाला अपडेट आया है ना भाई, टीममेट रिवाइव बाद में देता भाई, पहले तो हमें जो है कंधे पर उठाकर खेलता रहता हमारे साथ। अरे 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 उतार दो यार किल चोर को, परेशान मत करो भाई, उतार दो, ये रोने लग जाएगा यार। अरे ऐसे मत पटको यार, ये बेचारा पहले ही दुखी है यार, ऐसे मत पटको, इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, इसका इलाज करवाओ, लकुआ मार गया बेचारे को, इसका इलाज करवा दो यार। अगर भाई ऐसे ऐसे टीममेट हो ना भाई तो एनिमी की तो जरूरत ही नहीं भाई, यही मजे लेते हैं भाई हमारे एनिमी से ज्यादा। तो अभी जो मुझे रिवाइव मिल गया था भाई, मेरी जो है सांसें टूटने वाली थी भाई, इसलिए रिवाइव दे दिया, नहीं तो अभी तक भाई ये मेरे मजे ही लेते रहते। और अब जो भाई सभी बंदे टपक चुके थे तो इन्होंने जो है हमें उठाकर भाई नीचे फेंक दिया कि जाओ। और अब मुझे लग रहा था कि भाई अब जो मेरा करेक्टर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिर जाकर भाई पेटिया ही पेटिया चमकाएंगे। और अभी बंदे देखो भाई बहुत ज्यादा बचे थे और किल हुए थे सिर्फ 3। और जैसे ही मैं नीचे उतरा ये देखो भाई, नहीं ऐसे थोड़ा ना होता यार भाई, ऐसी ऐसी बीमारियां मुझे ही क्यों लगती है यार, मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई, ये बंदा देखो कैसे चल रहा है। और इसका रिलोडिंग स्टाइल देखना भाई तुम,
हमें नहीं दिख रहा है। अरे तो हाँ दिख गया, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। करो एक बार तुम्हें मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। अरे 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 इसका मूवमेंट डाल सकते हैं क्या हम? ये चिलचोर का स्टाइल है। क्या दिखा रहे हो अच्छी भाई? गेम को भाई 18 प्लस बना देगा। गाड़ी में बैठ ठीक हो जाएगा मेरे साथ। गाड़ी में बैठने से ठीक नहीं, गाड़ी नहीं मिलेगा अभी। इसको नॉक कर दो क्या? देख लो चल कैसे रहेगी। आई गॉट सप्लाईज। नॉक कर मेरे को तो यार, रुको वहां पे जाके ठीक हो जाएगा गाड़ी। इधर आ, वॉच आउट। तो देखते हैं कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा। गाड़ी में भी ऐसे ही रहेगा यार। इधर लेके चलो ना। हां अम्मा इनको बोलने लग रहा था कि भाई जोर्जो वाले हॉस्पिटल में ले जाओ भाई, मेरा वहीं पर इलाज चलेगा। लेकिन भाई ये मुझे ले जा ही नहीं रहे थे। बोल रहे कि भाई जब लाइक पर लाइक बरसेंगे ना तभी ले जाएंगे, तो भाई लाइक कर दिया करो यार। बाकी अभी जो भाई मेरा इलाज नहीं हुआ था भाई गाड़ी में बैठने के बाद भी, और तुम्हारा भाई ऐसे ही मटकने लग रहा था, तो अब सोचा कि भाई जब ऊपर जाएंगे ना तो तब तो भाई ये पक्का ठीक हो जाएंगे। अब स्कोप ओपन करके भी भाई मैं बंदे नहीं टपका पा रहा था, और ना अच्छे से चल पा रहा था भाई। और जब गन छोड़ रहा था ना भाई, तब देखना भाई मैं कैसे चल रहा था। और अब देखो कुछ देर तो भाई मुझे करेक्टर दिखा, और अब करेक्टर ही गायब हो गया। और भाई हद तो तब हो गई भाई जब मैं अपने टीममेट को ये बोला कि भाई मुझे मेरा करेक्टर नहीं दिख रहा है, तो देखो भाई मुझे क्या बोले। अब मेरा करेक्टर भाई मुझे तो दिख ही नहीं रहा था, साथ में भाई मेरे टीममेट को भी नहीं दिख रहा था। तो भाई आज जो है मेरा बुरा टाइम था भाई वीरेंगल में। भाई ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही थी भाई मेरे साथ। अभी जो है देखो मुझे भी मेरा करेक्टर नहीं दिख रहा था, और मेरे टीममेट को भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से भाई ये किल भी चोरी हो गया भाई, हमारी तीन नंबर ने चोरी कर लिया। और ये बंदा दिखा भाई मुझे, ये मुक्के मारने लग रहा था। अभी इसको भी बिल्कुल लो कर दिया था, लेकिन भाई अभी इसको भी कोई और टपका गया। मुझे पागल बना दिया भाई। ये तीन चार बंदे थे और सभी के सभी मारने लग गए। लग रहा था भाई इनको जो है मैं दिख गया था भाई, बस मेरे टीममेट को नहीं दिख रहा था। तो भाई अभी इससे बुरा टाइम और क्या होगा भाई। जहाँ देखो भाई वहीं ऐसी तैसी होने लग रही थी, ऐसे ऐसे काम होने लग रहे थे ना भाई आज मेरे साथ। भाई बस क्या बता यार। तो आज सोच लिया था कि भाई अब जो है गेम प्ले तो गया भाड़ में, आज ऐसे ही खेलते। और ये देखो भाई हाथ देखो भाई कहाँ से निकल कर आया हुआ है, और रीलोड देखो भाई कैसे कर रहा है, और सामान देखो भाई कैसे उठा रहा है यार। क्या ही बीमारी थी। अब भाई बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो मैं बोल देता हूँ अपने टीममेट्स को कि मेरे ऊपर जो है ये सुतड़ी बम कर दो। मुझे नीचे उतार, उल्टी पड़ेगी मुझे। नीचे उतार, उल्टी पड़ने वाली है, तुम्हारा एक सूट गंदा हो जाएगा, जल्दी उतार दे। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे चक्कर आने लग रहा है और उल्टी पड़ेगी भाई, जल्दी से उतार दे, नहीं तो तुम्हारे एक सूट की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। तो भैया मुझे उतार कर मुझे जो है रिवाइव दे देते हैं, लेकिन भाई मैं अभी तक ठीक ही नहीं हुआ था। और ये देखो भाई किल चोर का स्टाइल, भाई जब गन हाथ में पकड़ता तो ऐसे, और बिना गन के देखो भाई। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले लिया। अब पेटियां चमकाने की वजह से भाई मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई थी, जिसकी वजह से भाई मैं अपने हाथ पैरों का यूज अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो सोचा कि भाई अब जो है संन्यास ले लेता हूँ भाई पेटियां चमकाने वाले काम से, और किसी चौराहे पर बैठकर भाई अब पैसे वैसे मांगने लग जाता हूँ। तुम मुझे 1000 रुपये ट्रांसफर करो, ऊपर वाला तुम्हें कुछ दे या ना दे, पर बैंक वाले तुम्हारे बैंक से 1000 रुपये जरूर काट लेंगे। अब ये वही रूबी थी भाई जिसकी मैंने ऊपर पेटी चमकाई थी, तो ये अब बदला लेने आई थी। तो अब ये टीममेट भाई रिवाइव बाद में देते हैं भाई, पहले तो कंधे पर उठाकर घूमते हैं। तो अब बंदे बहुत कम बचे थे, और हम आगे थे भाई मिल्टा, और यहीं पर बंदे थे, और भाई एक नंबर जो है पहले ही जम कर जाता है। और देख लिया भाई लापरवाही का नतीजा हो गई ना ऐसी तैसी।
तो यहाँ पर तो मैं इनको रिवाइव दे देता हूँ, पीछे से भी फायर पड़ने लग रही थी भाई, तो पीछे से कोई हमें टपकाने की पूरी साजिश रचा हुआ था। बाकी अब उनको छोड़ दो, पहले ये वाला कमाल देखो भाई। अभी ये बंदा जो भाई जाते जाते स्टार भाई को जो पूरा ही खा गया। बाकी भाई मुझे पता आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे भाई मेरे ऐसे हालातों पर। अब लेटने के बाद भाई स्कोप बिल्कुल अच्छे से ओपन हो रहा था और भाई मैंने एक बंदे को नॉक भी कर दिया था, तो अब सोचा कि इन पर रस कर देते, लेकिन भाई बाद में एक करेक्टर देखा भाई अपना, तो ये आज रस करने लायक नहीं था भाई। इसकी जो है बैंड बजी हुई थी, और ये देखो भाई इतने लंबे हाथ तो ना भाई कानून के भी नहीं होते जितने लंबे हाथ भाई आज ये किल चोर के है। और ये कर क्या रहा भाई, ये रिलोड कैसे करने लग रहा भाई, ये कौन सा जादू है यार देख रहे हो यार। तो भाई ऐसे ऐसे अजूबे भाई किल चोरी कर सकता है। अजूबा नहीं है ये बीमारी है, बीमारी जाकर इसका इलाज करवा। अब मैं किसी को भाई स्कोप ओपन करके तो नहीं मार पा रहा था, तो मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा था भाई और नहीं टपके। बाकी भाई ये मेरी मजबूरी थी भाई आज, और ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लग रहे थे, तो अभी जो है हम सर्कल में आ गए थे और आज ना भाई सर्कल ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अब एक बंदे को तो भाई मैंने लेटा दिया था वहां पर, लेट कर ही टपका पा रहा था भाई। बाकी मेरे अभी तक देखो भाई 6 किल हुए थे, तो ये भी बहुत है भाई आज तो। अभी साइड बंदे थे और मैं मार्क देखो भाई कैसे देने लग रहा था, तो मुझे निकलना था भाई सर्कल में। और ये सर्कल भाई आज पता नहीं यार, आज मेरा इतना बुरा दिन था भाई, आज ना एक भी तो काम अच्छा नहीं हो रहा था भाई। ऊपर से लास्ट में हर सर्कल हमारे से आगे बढ़ने लग रहा था भाई, मेरे से पता नहीं यार क्या दुश्मनी थी भाई आज। मैं यहाँ पर स्मोक फेंकता हूँ और आपने कुछ ध्यान दिया भाई, मतलब स्मोक फेंकते ही भाई मेरा करेक्टर ठीक हो गया यार। मैं अपनी ऐसी तैसी कराता रहा भाई पूरे एंगल में भाई पूरे मैच, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ था भाई। किल्चर पेटिया चमकाने वाले बाबा से जाड़ा लगवा लेते, जाड़ा ठीक हो जाते। इसका वो ठीक हो गया क्या कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भाई मैं ठीक हो गया था और सोचा कि भाई अब दिखाएंगे अपना चलो और सभी बंदों को खिला देंगे हलवा, लेकिन भाई देखो किस्मत ही खराब थी भाई, आज हम कुछ नहीं कर सकते। आज जो भाई मेरी राशि में ही दोष नहीं था भाई, भाई मैं ही दोषी था भाई आज। अब यहाँ पर भाई मुझे तो रिवाइव मिल जाता, लेकिन 3 नंबर की नोक हो गई थी भाई। ऊपर से जोन आने लग रहा था भाई और हमें जाना था भाई सर्कल में, और सामने भाई पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी भाई जो कि हमारे पर ही एम लेकर बैठी थी। और मेरे पास भाई ना तो था हेलमेट, और ये समझो कि भाई वेस्ट भी नहीं है, नहीं है भाई देख लो बेशक से। तो ये भी उतर गई थी और भाई 3 नंबर टपक गई थी भाई, उसको रिवाइव भी नहीं मिल पाता। और अभी यहाँ पर आए तो सोचा था कि भाई यहीं पर सर्कल बन जाएगा, लेकिन नहीं भाई अब फिर से आगे सर्कल बन गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, किल चोर का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए। अब मैंने वही थोड़ा सा थोबड़ा दिखाया था भाई अपना, और मैं एकदम से टपक गया। एक बार तो मुझे लगा कि भाई ये हैकर है, फिर बाद में ध्यान आया कि ना तो भाई मेरे पास हेलमेट है और ना वेस्ट है, तो वही कुछ नहीं कर सकते। अब ये बंदे भाई हमारी देखो कैसे बैंड बजाए हुए थे, वैसे करे क्या यार किस्मत इतनी खराब थी। देखो भाई बिल्कुल एक एक एमओ कनेक्ट हो रही थी और हम टपक रहे थे भाई, पता नहीं क्यों था यार ऐसा। वैसे ठीक है भाई अब कर भी क्या सकते हैं, तो किस्मत ही खराब थी भाई, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाए भाई डिनर। तो उम्मीद आपको आज की इस गेम प्ले वीडियो में भाई 10-15-20-30 हज़ार किलो मजा आया होगा और कुछ ऐसा देखने को मिला होगा भाई जो आपने आज तक नहीं देखा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तब भाई।